तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं चुका हूँ ड्यूटी के साथ वापिस। अभी देखो, 2 हफ्ते से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली थी। अब ये वाला गेम प्ले ना, मैंने 2 हफ्ते से आने के बाद, मतलब मैं 2 हफ्ते ना बाहर गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब तुम्हें रेगुलर वीडियोज मिलेगी। अब देखो, ये वाला गेम प्ले ना मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा था, लेकिन ये गेम प्ले में मैंने 16 किल हो गए थे, तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूँ। अब देखो, ये गेम प्ले मैं इस वजह से खेल रहा था, 16 V स्कॉट का है ये। देखो, मैं इस वजह से खेल रहा था क्योंकि मुझे ना मोन्टाज बनाना था, क्योंकि मैंने मोन्टाज बहुत दिनों से नहीं डाला, तो मैं ये मतलब ये खेलने के लिए सोच रहा था कि मुझे मोन्टाज के लिए ना क्लिप चाहिए, मतलब जल्दी से बंदे अंदे सबको मार दूं, स्कोर मार दूं, ऐसी क्लिप चाहिए थी। तो मैं इस मैच को इसलिए खेल रहा था। मेरा ये नहीं था कि जैसे जब मैं गेम प्ले बनाता हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे ही गन मिली बंदों पर रश कर दो और मार दो। अब देखो, ये वाला गेम प्ले मैं सिर्फ मोन्टाज बनाने के लिए खेल रहा था, तो मैं बंदे को मार ही नहीं रहा था। देखो, बंदा दिखा नहीं, मारा बहुत, मतलब देखते जाओ कैसे कैसा होगा। अब देखो, इधर भी बहुत देर से एक बंदा ना मेरे घर के आसपास घूम रहा था। और मैं इसको नॉक भी कर देता हूँ। अब देखो, ये वाला बंदा वही था जो टॉप आरपी पे था, मतलब इसका प्लेन आया था शायद, इसकी 24 या 30 RP थी। मैंने इसको मार दिया। अब देखो, मैंने इसको छोड़ दिया कि ये अपने टीममेट को बुलाएगा और मैं क्लच कर दूंगा और मेरी क्लिप निकल जाएगी। लेकिन मैं इससे बात करता हूँ कि भैया तुम निकलो यहाँ से, अपने टीममेट को बुला के लेके आओ, लेकिन ये जाता ही नहीं है कहीं पे। अब देखो, मैं इससे बहुत देर तक करता हूँ। अब मैं समझ गया था कि इसके टीममेट है ही नहीं, जब भी तो ये इतना तेज चल रहा है। तो मैंने क्या करा, अपना पिस्तौल निकाल ली और इसको फिनिश कर दूंगा। अब देखो, मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। अब देखो, मैंने इससे थोड़ी बहुत लूट कर ली, इसके पास टोमी थी तो मैंने टोमी ले ली। और हाँ, मैं ये बात तो बताना भूल ही गया कि देखो, मैंने ना जो अपना जायरो होता है वो ऑन कर लिया, वो भी ऑलवेज ऑन पे, मतलब मैं ढंग से खेल भी नहीं पा रहा हूँ। और जो लैंडिंग करते हैं ना सबसे पहले, मैं वो तक नहीं कर पा रहा हूँ भाई, जैसे तैसे मैं खेल रहा हूँ। अब देखो, मैं मोन्टाज बनाने के लिए खेल रहा हूँ, तो सामने बंदा है, मैं उसको नहीं मार रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि बंदे मेरे ऊपर रश करें, मुझे बंदों के ऊपर रश करने नहीं जाना पड़े, क्योंकि तभी क्लिप्स निकलती हैं। अब देखो, वो बंदा उधर ही पे था, तो मैंने सोचा क्या करूँ यार, मैंने उसको फायरिंग करने के लिए बुलाया कि भैया मैं इधर हूँ, मेरे ऊपर रश कर दो। इसका टीममेट भी था आसपास। अब देखो, मैंने सोचा इसको नोक ही करना पड़ेगा, तभी इसके टीममेट्स आएंगे मेरे पास। अब देखो, मैंने अपनी गन रिलोड करी और मैंने इसको थोड़ी देर तक देखा। अब मैंने सोचा ये नहीं आ रहा, तो मेरे को इसको नोक ही करना पड़ेगा। मैंने अपना नेट निकाला और बूम, इसको मैंने नॉक कर दिया। ये पहले नीचे था और जल्दी से ऊपर गया, तो मैंने ऊपर फेंक दिया, ये नॉक हो गया। अब देखो, मेरे को लग रहा था कि ये है ना वापस रिवाइव हो जाएगा, फिर ये दोनों मेरे ऊपर रश करने आएंगे, लेकिन ये बंदे है ना रिवाइव दे रहा था कोई इसको, तो मेरे को इसी के पास जाना पड़ा। अब मैंने सोचा कि क्लिप तो गई हाथ से, तो चलो उसको ही फिनिश करने चलते हैं। लेकिन इसका टीम मेट आया, मैंने इसको भी मार दिया। अब देखो, जैसे जैसे मैंने इन दोनों को मारा, अब देखो मैं इसको आ जाता हूँ लूटने के लिए। अब देखो, मेरे को ना आसपास से साउंड आ रहे थे, और इसके पास M4 थी और मेरे पास 5 का M थी, मैं लेके पहले ही चल रहा था। अब देखो, मैं इधर से M4 ले रहा था, तभी देखो मेरे को AKM का फायर हुआ। अब वो जो जाली रहती है उसके आसपास जो कॉर्नर रहते हैं उस पर थोड़ा सा गैप रहता है, उधर से मेरे को वो मार देता है। तभी इधर पे एक बोट आता है, मैं इस बोट को भी मार देता हूँ। अब देखो, मैंने इससे जैसे ही लूटा, इसके पास AKM थी, तो मैंने टोमी को हटा के AKM भी ले ली। अब देखो, मैं AKM लेके डायरेक्ट मैंने जैसे क्रॉप कर दिए, इस घर में एक बंदा था और मैं कहीं भी मतलब कहीं पे भी मैं खुद रश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे क्लिप निकालनी थी मोन्टाज के लिए। लेकिन जब बंदे ही रश नहीं करते, तो भाई मुझे ही रश करना पड़ता है। अब देखो, इस घर के ऊपर बंदा था, अब इस घर के ऊपर मैं देख रहा था और पीछे बार बार देख रहा था, मेरे को कोई पीछे से ना मार दे। अब मैंने क्या करा, इसको डराने के लिए नेट कुक किया और कैंसिल करा। और भाई तुम देख रहे हो, मेरे एम बंदों में लगी नहीं रहे, क्योंकि मेरा जो जायरो स्कोप है ना, मैंने मतलब मैं जितनी भी बार मतलब मैंने कभी जायरो खेला ही नहीं है। जब शुरू शुरू में पबजी आया था ना, मैं तब भी मतलब अंगूठे से ही जो चीज़ें रहती हैं वो कंट्रोल करता था, मैंने जायरो कभी नहीं खेला। अब देखो होता क्या है, जो शुरू पोचिंग की के जो 5 घर रहते हैं आगे के, उधर पर लड़ाइयाँ हो गई थी 3 स्कॉट के बीच में। अब मैं जाने लगा था, लेकिन मेरे को पीछे से फुट स्टेप आते हैं इधर से। अब मेरे को क्या लग रहा था, ये एक बोट है। और भाई ये जायरो तो मुझसे खिलाते ही नहीं है, जैसे तैसे मेरे को 3 दिन हो गए खेलते खेलते, लेकिन मैं अभी तक अच्छे से नहीं खेल पा रहा हूँ। अब देखो, इधर पे मैं डायरेक्ट आ गया उन 5 घरों पे जिस पे मतलब 3 स्कॉट की लड़ाई हो गई थी। अब देखो, इधर पे होता क्या है, मैं इधर पे आ गया, बंदों को देखने लगा। अब देखो,
देखो पेड़ के पास दो बंदे हैं, वो तुम्हें दिख भी रहे होंगे, अभी दिखेंगे और देखो, मैं उनको चाहता तो मार देता दोनों को, देखो, लेकिन मुझे तो क्लिप निकालनी है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि वो बंदे मेरे ऊपर रश करें और मैं तीनों को, मतलब दोनों तीनों को एक साथ मार दूं एक स्प्रे में। अब देखो वो भाग क्या रहा है, मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा हूँ, मैं उसको नोक नहीं कर रहा कि भैया ये मेरे ऊपर रश करेंगे और मेरी क्लिप निकलेगी। अब देखो एक बंदा क्या करता है, इनका मेरे पास आ जाता है इस साइड से, और इनका दूसरा बंदा भी आने लगा, मतलब नेट वगैरह फेंकने लगे थे ये, और इसने नेट फेंका। अब देखो इधर पे ना ये बंदे क्या करते हैं, मेरे ऊपर रश करने लगते हैं। मैं इधर से देखता हूँ, इसका एक बंदा क्या करता है, लेफ्ट साइड से मेरे ऊपर आता है। देखो अब देखो वो आ गया मेरे घर के नीचे, और भाई मैं यही चाहता था कि ये बंदे ना मेरे ऊपर रश करे और मैं इनको सटासट नोक कर दूं। और देखो कभी ये गेम प्ले मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा होता ना, तो ये क्लिप में मोन्टाज में डाल देता, क्योंकि देखो मैंने जल्दी से दो नोक कर दिए। अब मैं इसका तीसरा बंदा देख रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक बोट दिखता है। अब मैं इससे बात करने आता हूँ, भैया तुम्हारे बंदे हैं का, तुम्हारे टीममेट को तो बुलाओ, लेकिन ये बंदे बात ही नहीं कर रहे। अब देखो बहुत देर हो गई, तभी मुझे इनका तीसरा बंदा दिखता है जो थ्री व्हीलर लेके साथ इन्हें रिवाइव देने आ रहा होगा, लेकिन मैंने उसको उतार दिया। अब देखो इससे भी मैंने बात की कि भैया तुम्हारा टीममेट कहाँ है कुछ तो बताओ, लेकिन ये भी बात नहीं कर रहा, और इसका जो टीममेट था वो जाके उस कार के पीछे छुप गया। अब मेरे को इसका किल मिल गया। अब देखो इधर पे ना मैंने जितने भी नोक करे थे ना, मेरे को सबके एक एक करके किल मिलने लगे। जो मैंने तीसरा वाला इनका नोक किया था, मैं उसके पास भी आता हूँ, उससे बात करता हूँ, लेकिन कोई भी बात नहीं करता। अब देखो इधर से ना मैं अपनी कार उठा के, मेरी तो नहीं और किसी की है, जाने लगा था, लेकिन ये वाली कार दिखती है, और भाई मैं जा रहा हूँ खेल रहा हूँ ना, तो मुझसे ना स्कोप संभल रहा है ना, एम कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो जैसे जैसे मैंने इधर पे हीलिंग करी, मैं इधर पे जाने के लिए तैयार था, और भाई ऊपर से ना ये बंदे फायर कर रहे हैं जोन के अंदर, और ये मेरे साथ क्या पता क्या हो रहा था, लेकिन इन बंदों को ये नहीं पता था कि इधर पे ना तीन तीन चार चार कार खड़ी है। भैया तुम एक फोड़ोगे मैं दूसरी लेके भाग जाऊंगा। तो इधर पे देखो मेरे को एक और बोट का किल मिला जो मैंने मारा था अभी, तो मैं इधर से इनकी ये वाली जो पुरानी दुरानी कार है ये मैंने उठाई और मैं चला गया वापस से इनके पास। अब देखो इधर पे होता क्या है, मैं ये सोचने लगा था कि मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगा ब्रिज पे और मैं इन दोनों को मार दूंगा, लेकिन इधर पे देखो होता क्या है, इधर पे ये कार रुकी, और मैंने इसको मार दिया। मैं सोच रहा था यार इसमें दो बंदे हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा शायद एक किल फील्ड आई थी जोन के अंदर, शायद वो इसी का टीममेट होगा, तो वो उधर ही पे नोकता और ये उसको छोड़ के इधर पे आ गया और मैंने इसको मार दिया। अब देखो डायरेक्ट मैं ब्रिज क्रॉस करके, ब्रिज गेम तो था नहीं, तो मैं ब्रिज क्रॉस करके डायरेक्ट आकर मिलिट्री बेस, इधर फिर मैंने क्रॉप कर दी वीडियो। अब इधर पे देखो मेरे पास हेल्थ किट नहीं थी, मैंने हेल्थ किट उठाई। अब मैं इधर पे बंदे ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे बंदे चाहिए थे क्लच करने के लिए, क्योंकि मोन्टाज बनाना ना। अब देखो इधर पे मैं ब्रिज के पास देखने जा रहा था, और तभी मेरे को बंदे भी दिखते हैं। अब देखो इस बंदे, ये वाला बंदा तो मुझे दिख नहीं रहा था, तभी मुझे इनका तीसरा बंदा दिखता है जो क्या पता किस पे एम ले रहा था, और मैं इस बंदे को भी एक आध गोली चिपका देता हूं, और मैंने शायद इस बार इसको हेड चिपकाया, क्या पता मुझे दिख भी नहीं रहा, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं तो, लेकिन मैंने उसको चिपकाया कुछ ना कुछ तो। और ये वाले बंदे अब देखो पीक तो मुझे दे नहीं रहते, और इधर पे मैंने उसको हेड चिपका दिया एक बार। अब देखो जायरो स्कोप की वजह से ना मेरा स्कोप मतलब अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बंदा मुझे डैमेज दे देता है। अब देखो इधर पे मैंने क्या करा, जल्दी से मेड किट लगाई और मैं वापस से देखने लगा बंदों को। अब देखो जो बंदा मैंने इनका तीसरा वाला बंदा जो नोक किया था ना, वो बंदा रिवाइव हो गया भाई, वहीं पे मतलब वहीं पे हील करने लगा, तो मैंने उसको वापस नोक कर दिया। अब देखो मैं जाने लग गया दूसरा एंगल लेने, क्योंकि भाई देखो उधर ही पे रहता ना, तो वो वापस मुझे मारते, और इनका तीसरा बंदा ना इधर पे आके वापस से हील करने लगा, मैंने इसको एक गोली मार दी और वो वापस नोक। अब मैंने सोचा इस बार इसको फिनिश कर दो, लेकिन मैंने उसको फिनिश नहीं किया, क्योंकि देखो जोन आ रहा है और जोन पहाड़ी की तरफ बना है, तो मैं ये सोच रहा था कि कभी मैं पहाड़ी की तरफ चला गया और मेरे को उसका किल भी मिल गया, कभी मैं पहाड़ी को मतलब उस साइड चला गया ना, तो मैं इनको मार दूंगा, क्योंकि इनको ब्रिज से नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो देखो इधर पे मैं अपनी कार उधर पे जाने लगा, लेकिन इधर पे मेरी कार इसके अंदर अटक गई। अब देखो मैंने क्या करा, एग्जिट मारा, और इधर से ये जो दूसरी कार जो सामने है, पहले तो मैंने इसको निकालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं निकली। अब तभी मेरे को ना इधर पे ये सामने कार दिखी, तो मैं इसको लेकर डायरेक्ट पहाड़ी पे आ गया।
अब देखो जैसे ही मैं इधर आया ना, मैं इन बंदों को देखने लगा। अब देखो ये बंदे ना उसके ऊपर चढ़ के AKM में क्या पता कौन सा स्कोप लगा के AKM चला रहे सिंगल फायर पे। अब देखो बहुत देर हो गई, मैं ये सोच रहा था मैं शायद एकाद को नॉक कर दूंगा ना तो मैं इधर से जोन से बाहर निकल जाऊंगा और वापस अपने जोन में चले जाऊंगा, लेकिन ये बंदे ना बहुत कान के पास से गोली निकाल रहे थे और ये बंदे नॉक भी नहीं हो रहे हो। मैं ऊपर से जा रही हूँ, स्कोप मैंने अभी 3 दिन हुए तो मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो मैंने जैसे बैरल में 4x लगाया और थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन मैंने एक को नॉक कर दिया। अब जोन के लिए मेरे को जाना था तो मैंने जल्दी से अपनी कार उठाई और जोन में निकल गया। अब देखो तुम्हें याद होगा मैंने पोचिंग पे एक स्कॉट मारी थी जिनका एक बंदा शायद अभी भी बच रहा था, क्योंकि जो मैंने पहले मारा था कार के अंदर एक बंदा वो तो सिंगल था, वो तो डायरेक्ट मर गया, लेकिन जो पोचिंग की 3 स्कॉट थी उसका एक बंदा इधर पर मिलता है देखो मुझे। अब देखो इधर पर मैं अपनी कार घुमा रहा था तभी मेरे को बंदा दिखता है। अब मैं सोच लिया था इसको मारूंगा उतर के, और भाई इसको भी मैंने मार दिया और भाई वो बंदा ना सांप बनते ही बनते ना टावर पे ही मर गया। और भाई ये हो गए मेरे 16 किल। और भाई यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।